Good morning, Kulin. Good morning, Kulin. Good morning, Papa. Papa, wo aap se? I'm getting late, beta. We'll meet tomorrow, okay? Papa, wo aap se? Bye-bye. Papa! Bye. Oh, no! गॉड मॉम से बोला था जल्दी उठाने को मगर मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग मम्मा आई एम सॉरी बेटा तुम्हें जगाना है मुझे याद ही नहीं रहा ओके मुझे ऑफिस को देर हो रही है मैं चलती हूँ हाँ पेपर ध्यान से करना और नाश्ता करके जाना कुछ पैसे चाहिए हो तो कबर्ड में रखे ले लेना बाय मम्मा भाई क्या हो रहा है आजकल कोचिंग में बढ़िया सब बढ़िया कोचिंग कहाँ जा रहे हैं हम ओहो कुलीन आ गया आओ कुलीन आओ आओ, 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 आओ कुलीन आओ कैसे हो अरे यार आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ देख यार अब तो जो होना था वो हो गया और वैसे भी तुझे कमी किस बात की है बेटा फेल हो या पास डोंट वरी बी हैप्पी ये ले और देख कितना मजा आता है ये तो दवा है मेरी तबीयत तो ठीक है तो यार थोड़ा पियो तो दवाई और पूरा पियो तो मलाई ये ले Papa.
बचा बाबा, बाबा बचा, बचा। हाथ सीधा रखिए। ये क्या हो गया डॉक्टर, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया डॉक्टर, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? अब ये कुछ देर तक नींद में ही रहेगा। ओके। डॉक्टर, डॉक्टर, कुलीन की कंडीशन तो और भी डेंजरस होती जा रही है। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि उसे उसे हुआ क्या है। रिपोर्ट्स आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। वैसे कुलीन की हालत देखकर ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। ड्रग्स? कुलीन? नो डॉक्टर, नो। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मिस्टर अग्रवाल। एक घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। ओके? बट डॉक्टर, ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। कुलीन ऐसा नहीं कर सकते। अरे अरे, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? कुलीन अब बच्चा नहीं रहा। अरे, अमीर बाप की औलाद है। रात को दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा मौज मस्ती हो गई होगी और क्या? हाँ। अरे संध्या यार, तुम भी ना। वो सब ठीक है। खुली ना अच्छा नहीं रहा। वैसे भी कमी किस चीज की है? हाँ, अच्छा, ओके, बाय।
सलाम वालेकुम साहब, सलाम वालेकुम साहब। ओ शिट यार जी, व्हाट इज दिस जी? दीनानाथ, दीनानाथ कहां मर जाता है इडियट? दीनानाथ गला वाला फाड़ रहे हैं लोग। दीनानाथ, अरे आए इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? काहे साहब, काहे गला लौड़ी स्पीकर बना दे रहे हैं? ये जनाब बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गए? कौन ई? अरे साहब कहा बताइए, हम तो कितनी बार ही महाशय से कहा कि साहब बहुत बेजी हैं, लेकिन ई है महाशय कि सुनते नहीं। अब जब कोई हमार बात न माने तो हम क्या कह सके थे? हम ठहरे चपरासी आदमी, कोई हवलदार तो है नहीं। ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो आप कर रहे हैं हमारे साथ। पिछले 6 महीनों से, 12 वफात से रमजान का महीना आ गया, लेकिन आपका कल नहीं आया। आप क्या समझते हैं हमारे पास क्या सिर्फ आप ही का काम है? ये सब क्या ये कबाड़ की शॉप से आई हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा साहब, पिछले 6 महीने से मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा अस्पताल में। I know, आपका बेटा मरने वाला है और आपके पास उसके इलाज के पैसे नहीं हैं। जनाब 1,00,000 रुपए मुफ्त में पाने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना भैया? मेरे पास पैसे होते तो मेरा बेटा तिल तिल कर मर ना रहा होता साहब। मैं आपसे यूं इल्तिजा ना करता साहब। क्या? अच्छा खासा पान खराब कर दिया तुमने। मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों हल्ला मचा रहे हो सुबह सुबह यार? बैठिए। बहुत गुस्सा आता है ऐसे चालाक और लालची लोगों के ऊपर। 1,00,000 रुपया चाहिए मगर जेब से चवन्नी तक नहीं निकलती। बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, और फिर मैंने पूरी जिंदगी इस दफ्तर की खिदमत भी तो की है साहब। चाय में शक्कर कितनी चाहिए? बस इतना ही? अम्मा मियाँ, अगर वाल साहब बहुत मर्सीफुल है, कोई दूसरा होता ना 20% से कम ना लेता। अम्मा आप इतने में भी नानुकुर कर रहे हैं। बेटे को क्या अस्पताल की जगह अनाथालय से लाए थे क्या? इस दरगाह से उस दरगाह, बड़ी मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने बेटा बख्शा ऐसा। मेरी आंखों की रोशनी है वो, मेरे जीने का सहारा है वो साहब। अगर पैसे न मिले साहब तो मेरा खुर्शीद, कुछ तो रहम करिए साहब, कुछ तो रहम करिए साहब। आप हम पर रहम करिए। देखिए ये रोना धोना यहाँ नहीं चलेगा सर। एक हाथ दे और दूजे हाथ लो। नहीं तो चलते बनिए सर। अमा मिया समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तरस खाओ साहब, ये गरीब आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलेगा। आपको दुआएं देगा साहब, आपको दुआएं देगा साहब, आपको दुआएं देगा साहब, साहब आपको। दीनानाथ इन्हें फौरन ऑफिस से बाहर निकालो। गरीबों की दुआ अल्लाह जरूर सुनता है साहब, गरीबों की दुआ लो साहब, दुआ में बड़ी ताकत होती है साहब। ये रुपया ये पैसा कोई काम नहीं आता साहब। एक दिन सब खा लिया, कुछ नेकी कर लो साहब,
आपके भी तो बच्चे होंगे साहब। चलो आपके भी तो बच्चे होंगे साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, मेरे खुर्शीद को बचा लीजिए साहब, मेरा खुर्शीद मर जाएगा साहब। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। कुछ नहीं कर लो साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। कुछ नहीं कर लो साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे साहब, आपके भी तो बच्चे होंगे। ड्रग्स का ओवरडोज होने से ऐसा हुआ लगता है। कुछ नहीं कर लो साहब, आपके भी तो बच्चे मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर, मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर, कुलीन के ब्लड में ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि क्या? प्लीज प्लीज टेल मी डॉक्टर, व्हाट हैपेंड डॉक्टर, प्लीज टेल मी। आई एम सॉरी बट इस कंडीशन में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप पूछिए इनसे, कुछ कहते क्यों नहीं आप? डॉक्टर, डॉक्टर आप पैसे की चिंता मत करिए, मैं अपने बेटे के बराबर पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर प्लीज, बात पैसे की नहीं है मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर बात पैसे की नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब दवा काम नहीं करती तो एक मात्र सहारा दुआ का बचता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। ठीक हो जाएगा। गरीबों की दुआ अल्लाह जरूर सुनता है साहब, गरीबों की दुआ लो साहब, दुआ में बड़ी ताकत होती है साहब, ये रुपया ये पैसा कोई काम नहीं आता साहब, एक दिन सब खाली आग, एक दिन सब खाली आग, एक दिन सब खाली आग। बात पैसे की नहीं है मिस्टर अग्रवाल, बात पैसे की नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन सब खाली आग, बात पैसे की नहीं है मिस्टर अग्रवाल, बात पैसे की नहीं है, एक दिन सब बात पैसे की नहीं है मिस्टर अग्रवाल। मेराज, मेराज, कौन, किससे मिलना है जी? क्या मेराज साहब यहीं रहते हैं? पता नहीं, नहीं पता जी। पागलों का भी कोई ठिकाना होता है क्या?
औलाद का गम बड़ा भयानक होता है। खुर्शीद के गम को बर्दाश्त ना कर सके। आज वो इधर उधर मारा मारा फिरता है। कोई खास काम था? जी ये वैसे आप? मैं उनकी बड़ी बहन मेहरुन्निसा। जी ये कहाँ ढूंढेंगे मेराज को? कहाँ मिलेगा? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पिछले 8 महीने से कुलीन बुत की तरह खामोश पड़ा है। अग्रवाल साहब को अपने किए पर पछतावा है, मगर मेराज की जिंदगी में खुर्शीद अब वापस नहीं आ सकता। अग्रवाल साहब के पास बहुत पैसा है, मगर फिर भी वो अपने बेटे को शायद नहीं बचा सकते। सब कुछ होते हुए भी आज उनके हाथ खाली है। वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं।